गुजरात सरकार को लगी सुप्रीम फटकार, फेल हुआ गुजरात सरकार का खेल, बिल्किस के गुनहगार फिर जाएंगे जेल, सुप्रीम चौखट पर बिल्किस की गुहार, गुजरात सरकार को तगड़ी फटकार। साल 2022 में जेल से रिहा हुए बिल्किस बानो के वो गुनहगार जिनके घरों में खुशियों के लड्डू बांटे जा रहे थे, अब एक बार फिर से मातम पसरने वाला है। वो होट जिन पर ना इंसाफी के आवरण की झुर्रियां चढ़ गई थी, उन पर एक बार फिर से खुशियों की बहार आने वाली है, क्योंकि इंसाफ की आस एक बार फिर से जगी है, वो भी देश के सबसे बड़े न्याय की चौखट पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गुनहगारों को फिर से जेल भेजने का फरमान जारी कर दिया है, साथ ही गुजरात सरकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए धोखाधड़ी बता दिया है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत बिल्किस बानो के गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहाई दे दी थी। अदालत ने सरकार के इस फैसले को फ्रॉड एक्ट घोषित करते हुए साफ कर दिया है कि ये गुजरात सरकार का फैसला उसके अधिकार में ही नहीं था। इसके साथ ही दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का भी आदेश सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीवी नागरथाना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच गुजरात सरकार की बखिया उधेड़ते हुए अदालत ने माना कि इस मामले में गुजरात सरकार की तरफ से धोखाधड़ी की गई है। अदालत के सामने शातिराना ढंग से इस केस के फैक्ट को छिपाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि इस मामले में गुजरात सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फ्रॉड किया गया है। अदालत ने कहा कि इससे पहले हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ टिप्पणियां की थी। ये सारे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने छिपाए गए हैं। ये मामला गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था क्योंकि बिल्किस बानो की मांग पर यह केस मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में इस केस का कोई भी फैसला महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। देश की सुप्रीम अदालत ने कहा कि हर महिला सम्मान की हकदार है, चाहे वो समाज में कितनी भी ऊंची या नीची क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोषी की तरफ से भौतिक तथ्यों को दबाकर और भ्रामक तथ्य बनाकर सजा माफी पर विचार करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, इसीलिए गुजरात सरकार का ये आदेश रद्द किया जाता है। यानी कि बिल्किस बानो गैंगरेप के मामले में दोषियों की सहूलियत के लिए गुजरात सरकार कैसे खेल खेलती रही, कैसे सुप्रीम कोर्ट तक को गुमराह किया जाता रहा। गुनहगारों को रिहा करने के लिए सरकार ने जो जो षड्यंत्र रचे, सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुलासा कर दिया है। एक महिला के साथ हुई बर्बरता के दोषियों को फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।